हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो TMS में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब सारा नेचुरल नंबर, फिर ज़ीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, सबको अगर कलेक्ट कर लें तो यही कलेक्शन हमारा कहलाएगा इंटीजर्स का। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ज़ीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव यानी 1 का नेगेटिव, -1, 2 का नेगेटिव, -2, 3 का, -3, उसी तरह -4, -5, -6 एंड सो ऑन, सारा कलेक्ट अगर हम कर लें तो यही कलेक्शन कहलाएगा हमारा इंटीजर्स का। अब एक और अलग तरीके से समझते हैं इंटीजर को। मान लीजिए कि n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, o ज़ीरो को, ट्रायंगल होल नंबर्स को। ये फिगर मैंने बस ड्रॉ किया है इंटीजर्स को समझाने के लिए। ट्रायंगल होल नंबर्स को, माइनस n नेगेटिव नंबर्स को और स्क्वायर इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम नेचुरल नंबर n और ज़ीरो o दोनों को मिला देते हैं तो ये कलेक्शन नेचुरल नंबर और ज़ीरो का कलेक्शन बन जाता है होल नंबर्स। ट्रायंगल होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस ट्रायंगल के अंदर यानी होल नंबर्स के अंदर क्या क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा n और ज़ीरो o, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर के अंदर नहीं आता है, तो नेगेटिव नंबर माइनस एन होल नंबर से बाहर है। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स दोनों को एक साथ कलेक्ट किए हैं, ये दोनों आता है इंटीजर्स के अंदर यानी स्क्वायर के अंदर। आप देख सकते हैं यानी इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर और ज़ीरो सारा आ जाता है, और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर और ज़ीरो आता है। तो इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है, ज़ीरो भी होल नंबर है, सारा होल नंबर इंटीजर है, सारा नेगेटिव नंबर इंटीजर है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो सारे इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो ज़ीरो के राइट साइड में होगा और जितना भी नेगेटिव इंटीजर है वो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होगा। मतलब नंबर लाइन पर पॉजिटिव इंटीजर्स ज़ीरो के राइट साइड में होता है और नेगेटिव इंटीजर्स ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होता है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमको निकालना हो, पता करना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि कोई नंबर, कोई इंटीजर ए है हमारे पास, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर का नेगेटिव नहीं हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू पता करने के लिए हम कभी भी साइन का कोई परवाह नहीं करेंगे, साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सिर्फ वही नंबर जो नंबर गिवन नंबर है वही एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। जैसे ए का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? ए माइनस ए, अगर कोई इंटीजर माइनस ए हमारे पास है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? ए। फिर ठीक इसी तरह हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। -25 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 25 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो 25। ज़ीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू 0। ओके, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एडिटिव इन्वर्स, अगर एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं? किसी भी इंटीजर में हम क्या ऐड करेंगे जो हमारा सम ज़ीरो हो जाएगा? ए हमारे पास कोई इंटीजर है, इसमें क्या ऐड करेंगे जो सम ज़ीरो होगा? ए में क्या ऐड करेंगे जो सम ज़ीरो हो जाएगा? क्या ऐड करेंगे? तो
इसमें हम लोग माइनस ए ऐड कर सकते हैं, ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो ज़ीरो होगा, ए प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स ए। उसी तरह माइनस बी में क्या ऐड करेंगे जो ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस बी में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो ज़ीरो होगा, तो माइनस बी में हम लोग बी ऐड करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स बी और बी का एडिटिव इन्वर्स माइनस बी। अब इस तरह से हम लोग इसका भी एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं, माइनस फाइव का एडिटिव इन्वर्स फाइव, माइनस सेवनटीन का एडिटिव इन्वर्स सेवनटीन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टेन का एडिटिव इन्वर्स माइनस टेन, फाइव का एडिटिव इन्वर्स माइनस फाइव, ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो होगा। ज़ीरो ही एक ऐसा इंटीजर है जिसका एडिटिव इन्वर्स वो खुद होता है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में क्लोज़र प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, एडिशन जो है इंटीजर्स का क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, दो इंटीजर हैं माइनस टू प्लस थ्री, दोनों को ऐड करेंगे सम आएगा वन। ये दोनों इंटीजर है और इसका सम भी इंटीजर है, यानी क्लोज़र प्रॉपर्टी को एडिशन सेटिस्फाई करता है। अब सब्ट्रैक्शन, ये भी सेटिस्फाई करता है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्लोज़र प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन जो है सो क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता था, लेकिन इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, माइनस टू माइनस फोर, माइनस टू में से फोर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो इसका डिफरेंस आएगा माइनस सिक्स। माइनस टू और फोर ये दोनों इंटीजर था और इस दोनों का डिफरेंस माइनस सिक्स, ये भी इंटीजर आया। अब मल्टीप्लिकेशन क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, इसको देखते हैं। टू इंटू फाइव इज इक्वल टू टेन, टू और फाइव दोनों इंटीजर हैं, दोनों का प्रोडक्ट टेन, ये भी इंटीजर है। माइनस टू इंटू सेवन माइनस फोर्टीन, माइनस टू और सेवन दोनों इंटीजर हैं, दोनों का प्रोडक्ट माइनस फोर्टीन, ये भी इंटीजर है। डिवीज़न देखते हैं, फाइव डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स फाइव बाई टू। फाइव और टू दोनों इंटीजर है लेकिन इसका कोसेंट फाइव बाई टू, जो कि एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए डिवीज़न क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री, माइनस फाइव बाय थ्री। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले से आपको पता है कि अगर किसी भी एडिशन में अगर किसी भी दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ेंगे तो हमारा सम इक्वल आएगा। तो दो इंटीजर लेते हैं माइनस थ्री और टू, माइनस थ्री प्लस टू सम आया माइनस वन, और इसको अब उल्टा करते हैं यानी ऑर्डर चेंज करते हैं, टू प्लस माइनस थ्री फिर इसका सम आया माइनस वन, तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यस, सब्ट्रैक्शन देखते हैं, फिर यही नंबर आने देते हैं माइनस थ्री और इसमें से टू घटाते हैं, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, ठीक है। और फिर इसको ऑर्डर चेंज करते हैं इसका, टू माइनस माइनस थ्री, टू माइनस माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस यानी टू प्लस थ्री मतलब फाइव। तो दोनों ही सिचुएशन में डिफरेंस अलग आया, इसलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, माइनस थ्री
इंटू टू इक्वल टू माइनस सिक्स, टू इंटू माइनस थ्री इक्वल्स माइनस सिक्स। दोनों इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट इक्वल आया। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यस, अब डिवीज़न देखते हैं। माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स माइनस थ्री, टू डिवाइडेड बाई माइनस सिक्स इक्वल्स माइनस टू बाई सिक्स इक्वल्स माइनस वन बाई थ्री। दोनों ही सिचुएशन में अगर ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन आता है डिवीज़न में, तो इसका मतलब है कि डिवीज़न भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं करेगा। उसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करेगा, डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं। एडिशन में अगर तीन इंटीजर हो और उसको अगर हम जोड़ें किसी भी ऑर्डर में तो हमारा सम इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं पहले। टू प्लस माइनस थ्री प्लस फाइव, इस दोनों के एक साथ जोड़ेंगे। पहले इस ऑर्डर के हिसाब से जोड़ते हैं। टू प्लस माइनस थ्री माइनस वन प्लस फाइव फोर, ठीक है। दूसरा ऑर्डर में ऐड करते हैं इसको। टू प्लस माइनस थ्री प्लस फाइव, टू प्लस माइनस थ्री प्लस फाइव टू, टू टू फोर। मतलब किसी भी ऑर्डर में तीन इंटीजर को ऐड करेंगे तो सम जो है इक्वल आएगा। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन सेटिस्फाई करता है इंटीजर्स में। अब सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। थ्री माइनस वन माइनस टू इक्वल्स थ्री माइनस वन टू माइनस टू इक्वल्स ज़ीरो। थ्री माइनस वन माइनस टू थ्री माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस वन, थ्री माइनस माइनस प्लस वन, थ्री वन फोर। अगर किसी भी ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस अनइक्वल आ रहा है। यहाँ ज़ीरो आया, यहाँ फोर आया। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तीन इंटीजर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसका प्रोडक्ट अगर इक्वल आया तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। माइनस फाइव मल्टीप्लाई टू इंटू थ्री, इस तरह से करते हैं। पहले माइनस फाइव इंटू टू थ्री जै सिक्स, माइनस फाइव इंटू सिक्स थर्टी। अब दूसरे ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस फाइव इंटू टू इंटू थ्री, माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन इंटू थ्री, माइनस टेन इंटू थ्री माइनस थर्टी। किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट इक्वल आया। इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इंटीजर्स में। अब डिवीज़न देख लेते हैं। माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस थ्री आएगा, फिर डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन आएगा। अब दूसरे ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री, माइनस सिक्स इंटू इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे थ्री बाई टू,
माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस एटीन बाई टू इक्वल्स माइनस माइनस नाइन। ठीक है, देखिए किसी भी ऑर्डर में अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं तो फिर कोसेंट अलग अलग आ रहा है, यहाँ माइनस वन यहाँ माइनस नाइन, इसका मतलब डिवीज़न पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा।